तो चलिए देख लेते हैं कि आपको जो है वो आंसर कॉपी कैसे आप मंगवा सकते हो, चाहे आप सीए इंटर के स्टूडेंट हो या फिर सीए फाउंडेशन के, दोनों के लिए अप्लीकेबल है। और सेम प्रोसेस है, सीधे आपको जाना है क्रोम पे, टाइम बिल्कुल नहीं लूँगा, और सर्च करना है आरटीआई ऑनलाइन। जैसे ही मिलेगा आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है आपको, और स्टार्टिंग में ही देखेंगे यहाँ पे होगा सबमिट रिक्वेस्ट, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे होम फिर सबमिट रिक्वेस्ट, कर्सर पे ध्यान रखिएगा। जब वहाँ पे चला जाना है और नीचे आकर आपको कर देना है अंडरस्टूड पे क्लिक, एक सेकेंड, आपको देख रहे होगा आई हैव रीड एंड सबमिट कर देना है। ओके, अब सबमिट करने के बाद जो है वो देख लीजिए ध्यान से क्या क्या आपको फिल करना है। आपको ये चीज़ें जो है वो फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं फिल करना है, देख लो यहाँ पे सर्च पब्लिक अथॉरिटी में कुछ नहीं, सीधे यहाँ पे आना है सिलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में, और यहाँ पे सर्च कर लेना है, आपको नीचे जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, क्योंकि उसी में कंपनी आती है हमारी, हाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। यहाँ पे फिर यहाँ पे अथॉरिटी की बात करा तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, किधर गया, एक सेकेंड, टी से होगा ना, वन सेकेंड वन सेकेंड, हाँ देखो सबसे लास्ट में है, लास्ट से थर्ड वन, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट मत, द से शुरू होता है टी ए जी से, तो नीचे से मिलेगा द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे ओके कर देना। ओके, नीचे आना, आप अपना यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना, जो भी है आपका वो ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर देना। फिर जो है वो नीचे आपको ईमेल डालने को कहेगा, दोनों ईमेल और फ़ोन नंबर दोनों डाल देना, ठीक है, इसमें फ़ोन नंबर और फिर नीचे ईमेल आईडी। उसके बाद आपका नेम पूछेगा तो नेम इस यहाँ पे जो जगह है उसमें डाल देना, यहाँ पे जेंडर पूछेगा डाल देना, एड्रेस जो भी एड्रेस आपका क्या कहते हैं उसको एडमिट कार्ड पे उसे डाल देना, उससे कोई दिक्कत नहीं आप कौन सा डालते हो, क्योंकि ईमेल पे ही आपका जो है वो आंसर कॉपी जाता है। पिन कोड डाल देना, यहाँ पे कंट्री डालना इंडिया सिलेक्टेड है, और स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेना जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद रूरल अर्बन जो भी है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, एजुकेशनल स्टेटस आपको लिटरेट रहने देना है, और आप कौन से हैं आप लिख सकते हैं, 12th स्टैंडर्ड पास, ठीक है, और क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे नीचे, फिर से आपको फ़ोन नंबर देना है, फ़ोन नंबर डाल देना है यहाँ पे, और यहाँ पे इंडियन वो तो ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा सिटीजनशिप का, और यहाँ पे मेन चीज़ है कि ईज एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे नो ही रहने देना, नहीं तो यस करोगे तो वहाँ पर कुछ डिटेल मांगने लगेगा, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे नो रहने देना। और फिर मेन चीज़ यहाँ पे कि आरटीआई के लिए टेक्स्ट लिखिए, मतलब क्या क्या चीज़ें आप चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको टेक्स्ट का लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम पे आप जुड़ जाना, और ये टेक्स्ट जो मैं लिखा हूँ यहाँ पे उसको सिंपली यहाँ आकर पेस्ट कर देना, क्या करना उस टेक्स्ट को पेस्ट कर देना है, उसमें डिटेल फिल कर देना, नाम एड्रेस जो भी है उसको, एक सेकंड में दिखा देता हूँ आपको टेलीग्राम पे कहाँ पे है, ये देख लो 30 मिनट्स फाउंडेशन सर्च करोगे उस पर अपलोडेड है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये पूरा जो है एक सेकेंड जूम कर लेता हूँ मैं, ये पूरा आपको फिल कर देना है, जहाँ पे रहेगा सबसे ऊपर ICI की एड्रेस ये कॉपी कर लेना सिंपली भाई, जो कुछ भी है और सब कुछ फिल कर देना, नेम रोल नंबर सब कुछ आपको दिख रहा होगा, ये सब कुछ फिल करने के बाद आप सिंपली कॉपी कर लेना, और बाद में अपना डिटेल फिल कर देना जो भी है वहाँ पे, सब में ब्लैंक छोड़ा हूँ, जो जो फिल करना है सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे जो फाइल पूछ रहा है यहाँ पे आप कुछ नहीं, एडमिट कार्ड अपलोड कर देना जो भी आपका है वो, एडमिट कार्ड उठाना और अपलोड कर देना। फिर यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी कोड मांग रहा है, सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डाल देना जो यहाँ पे दिख रहा है, डालने के बाद मेक पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे वहाँ पे आएगा पे करने के लिए, यस टिक कर देना, दो का टिक करने के लिए, और दोनों पे टिक करके डायरेक्टली पे कर देना, और थोड़ा सा रुक जाना, 10 रुपये कटेगा, आप 4 कॉपी मंगवाइए, 5 कॉपी मंगवाइए, आप इंटर फाइनल फाउंडेशन जिस भी लेवल के स्टूडेंट हैं आपका हो जाएगा। और सिंपली यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट सब कुछ हम क्लियरली वहाँ पे लिख रखे हैं, आप देख लेना, ठीक है ना, सब सब्जेक्ट वहाँ पे क्लियरली है, अगर आपका 6 पेपर है तो आप 6 पेपर तक यहाँ पे लिखना, सब कुछ वहाँ पे गिवन है। फाउंडेशन वालों के लिए तो आसान है क्योंकि फाउंडेशन वालों के लिए ही वो जो मेन है वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इंटर वालों के लिए भी सेम रहेगा, बस पेपर बढ़ जाएगा, ठीक। और वहाँ पे यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे अपलोड कर देना है आपको क्या, एडमिट कार्ड जो आप डाउनलोड किए हो ऑनलाइन, और उसे करने के बाद पे कर देना, पे कर देने के अब 1 कॉपी मंगवाओ या 2 कॉपी या 4 कॉपी, आपका जो है वो सिंपली 10 रुपये ही कटेंगे, ठीक है, 10 रुपये पे करने के बाद आपको ईमेल पे आ जाएगा मैसेज कि हाँ आपका फाइल हो चुका है, और फिर आप 20 से 22 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा वो कॉपी, ठीक। तो इस तरीके से आप कॉपी कर सकते हैं, मैं जानता हूँ क्विक वे में बताया लेकिन ये काफ़ी आसान है, मेन जो है वो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये टेक्स्ट, अब ये टेक्स्ट जो है वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है, समझ रहे हो, जो टेक्स्ट है वो टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल कर चुका हूँ, तो वहाँ पे देख लेना, कुछ दिक्कत नहीं होगा, हर चीज़ वहाँ पे क्लियरली मेंशन है टेलीग्राम पे, ये देखो ये पूरा आपको डालना क्या क्या है ये सब कुछ आप देख लो पूरा। और वैसे भी आप देखोगे तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर पॉसिबल रहा तो मैं उसमें भी डाल दूंगा कॉपी करके, ठीक है, ओके। अब चैनल पे जाकर ये टेक्स्ट जरूर कॉपी कर लेना, पहले कॉपी करके रख लेना, ओके, थैंक यू।